بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. तो दोस्तों गौसर विधि के चैनल पर एक बार फिर आप लोग का स्वागत है. कैसे दोस्तों मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरे बताए नुस्खों पर अमल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा रहे होंगे. तो दोस्तों मेरे भाई, आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो हमारे गौसर विधि के चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं. और जो हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं, अगर हमारे गौसर विधि के चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी आए दोस्तों आप लोगों तक पहुंच सके. तो दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही दमदार टॉपिक है, खासकर मर्दाना ताकत के लिए. दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी मर्दाना ताकत हमेशा बरकरार रहे, किसी भी तरह की कमजोरी आपके जिस्म में ना रहे, सेक्स हमेशा बना रहे चाहे कोई भी उम्र हो, तो ये नवाबी कोर्स आपके लिए दोस्तों. नवाबी कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर पर बना सकते हैं दोस्तों. तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं फार्मूले की तरफ. आप ये हमारा फार्मूला लिख लीजिए. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे गौसर विधि केयर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी आए आप लोगों तक पहुंच सके. दोस्तों पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए दोस्तों, एक एक जड़ी बूटियां आप लिख लीजिए. तो दोस्तों पहली जड़ी बूटी काली मुसली, जिसे हम स्याह मुसली कहते, देख सकते दोस्तों यही जड़ी बूटी देखते हैं, काली मुसली स्याह मुसली. इसलिए फोटो भी मैं दिखा देता हूं ऑनलाइन. हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हमारे पास हर जड़ी बूटियां मौजूद है. आप तो यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, बहुत सारी वीडियो हमने डाल के रखा है. कोई भी प्रॉब्लम है, आप शिकायत है शादी के पहले नामर्दी है, टाइमिंग की कमी है, हर फार्मूले हमारे पास मौजूद है दोस्तों. लेकिन यह ऐसा नुस्खा है जो हमेशा आपकी सेक्स बरकरार रखेगा दोस्तों. काली मुसली जिसे उर्दू में स्याह मुसली भी कहते हैं दोस्तों, इसे आपको लेना है 50 ग्राम. दूसरी जड़ी बूटी जावित्री, देख सकते हैं दोस्तों, जिसे उर्दू में बिस्बासा भी कहते हैं. इसमें दोस्तों डुप्लीकेट भी आता है, रामपत्री कावित्री बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं, जो आपको डुप्लीकेट ज्यादा मिलेगा दोस्तों. लेकिन आपको ओरिजिनल लेना है दोस्तों, ये गर्म मसाले में भी पड़ता दोस्तों. इसे आपको लेना है 25 ग्राम, बस इसमें सिर्फ दो ही जड़ी बूटियां दोस्तों. ये सब अच्छे से तोड़ लीजिए, कुचल लीजिए, कुचलने के बाद में मिक्सर ग्राइंडर करके पाउडर बना लीजिए, आटे वाली छन्नी से छान लीजिए. एकदम पाउडर रहना चाहिए दोस्तों, खड़ा नहीं रहना चाहिए, कपड़ छान एकदम होना चाहिए. छान लीजिए, फिर जो बचेगा उसमें फिर डबल से पीसिए, फिर छानिए, फिर डबल से पीसिए, फिर छानिए. एकदम अच्छे से मैदा हो जाए, जब पाउडर बन जाए तो दोस्तों यही पाउडर आपको दूध के मलाई में अच्छे से सान लेना है. जिस तरह आटा सान के रखते हैं उसी तरह दोस्तों ये सानना है दूध के मलाई में. दूध में नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत दूध भी रहेगा तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दूध की मलाई रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों. उसमें सान लीजिए अच्छे से, आटा जैसा सान लीजिए. उसके बाद में दोस्तों जिस तरह जो गोली होती है खाने वाली, उसी तरह उतना उतना ही बड़ा दोस्तों मटर के दाने के थोड़ा और बड़ा रहना चाहिए, उसी तरह आप गोली बना लीजिए. गोली बनाने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से सुखा लीजिए, ज्यादा धूप में रखने की जरूरत नहीं है, साये में अगर सुखाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. अच्छे से जब सूख जाए उसके बाद में आप एक डिब्बी में रख लीजिए. यही गोली आपको दोस्तों 2 से 3 गोली सुबह शाम पानी या दूध के साथ लेना है. कितना दिन लेना है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रहते हैं तो कंटिन्यू आप खा सकते हैं दोस्तों. 1 महीना 2 महीना 5 महीना साल 2 साल 3 साल, या ऐसा नुस्खा दोस्तों जो आपके सेक्स में जो कमियां आती हैं कभी कमी नहीं आएगी. कितना भी आप चलाते जाएंगे लेकिन आपके सेक्स में कमी कभी नहीं आएगी. और इतना ध्यान रहे, आप संभोग करने के बाद में सफेद तिल काला तिल खाना ना भूले. सफेद तिल काला तिल खाने से दोस्तों जो आपका वीर्य नष्ट हुआ रहता है वो डबल से वापिस आ जाता है और ताकत बलवान ताकत देता दोस्तों. हर कोई जानता नहीं है, सिर्फ काजू बादाम पिस्ता वगैरह सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों सफेद तिल काला तिल में इतनी ताकत कुदरत ने पैदा की है जो हर इंसान इसके बारे में जानता नहीं. काजू बादाम भी दोस्तों इसके आगे फेल है, लेकिन हर कोई जानता नहीं. सफेद तिल काला तिल आपको ऐसा खाना है, कम से कम इतना चबाना है, चबा चबा के पानी बना दीजिए दोस्तों, इसी तरह खाना है.
ये गोली आपको सुबह शाम जो आपको बता दिया उसी तरह खाना है, लेकिन ये गोली खाते समय दोस्तों आपका पेट सही रहना चाहिए, हाजमा सही रहना चाहिए। अगर आपको गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, तो बराबर सही से ये काम नहीं करेगा। ये खाने के बाद में आप 10-15 दिन बाद खुद देखेंगे कितना बदलाव हमारे अंदर आ रहा है। जो भी कमियां हो रही थी कि हम एक बार करते थे दोबारा मन नहीं करता था, एक एक हफ्ता मन नहीं करता है, ये गोली खाने के बाद में दोस्तों आप 15 दिन के बाद खुद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर कितना बदलाव आना शुरू हो गया। दोस्तों इसी तरह कीजिए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है आपको कमजोरी नहीं है, आपको अगर कमजोरी नहीं तो हमारी वीडियो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्या पता सामने वाले बंदे को फायदा मिल जाए, आपको भी दुआ मिले और मुझे भी दुआ मिले। दोस्तों बस दोस्तों इसी तरह कीजिए, दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए। जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे गौसी आयुर्वेदिक केयर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी आए दोस्तों आप लोगों तक पहुंच सके। बस दोस्तों यहीं से इजाजत लेता हूँ, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।